Next question on redemption of debentures. On 1/4/14, Z Limited has 20,000 10% debentures of face value rupees 10 each. The company decided to redeem its debentures by purchase from open market in lots 4,000 debentures every year. Means cancellation ke liye debentures lena hai, but in lots, lump sum mein nahi hai. हर साल 4000 डिबेंचर्स लिए जाएंगे और कंपनी उसको कैंसिल कर देगी. ऑन 1/10/14 कंपनी परचेज 4000 डिबेंचर्स फ्रॉम ओपन मार्केट फॉर रुपीज 95 पर डिबेंचर एज इन्वेस्टमेंट. तुरंत का तुरंत कैंसिल नहीं किया है, परचेज इज फॉर इन्वेस्टमेंट एंड फेस वैल्यू 100 का डिबेंचर 95 रुपीज में वापस मार्केट से परचेज किया है. Debenture interest is paid on 30th September and 30th March every year. So, ये दो dates ध्यान रखने की हो गई for debenture interest. The company cancelled all 4000 debentures on 31/8/15. Past necessary journal entries. So, सबसे पहले हम एक छोटा सा date का column बना लेते हैं कि कौन सी date पे क्या क्या transaction कर रहे हैं, so that we don't miss out anything. So, सबसे पहले इस डेट इन सब में आई 30th September 14, जब डिबेंचर इंटरेस्ट ड्यू होगा और पेड होगा. ओके, आफ्टर दैट 1st October देखो ऑलरेडी सेप्टेम्बर नीचे दिया हुआ है, पर वो एंट्री पहले होगी क्योंकि डेट पहले आई है. नाउ 1/10/14 कंपनी ने खुद के ही डिबेंचर्स परचेज किए हैं 4000 डिबेंचर्स. सो 4000 डिबेंचर परचेज की एंट्री होगी. नेक्स्ट 30th March 15 को डिबेंचर इंटरेस्ट ड्यू होगा और पे किया जाएगा, बिकॉज डिबेंचर इंटरेस्ट 30th September और 30th March दो टाइम ड्यू हो रहा है. सो डिबेंचर इंटरेस्ट ड्यू एंड पे पेड. ओके, नाउ इन्होंने कैंसिल कब करने को बोला है, 31st August 15 को हमारे डिबेंचर्स कैंसिल किए जाएंगे. सो 31st August 15 कैंसिल डिबेंचर्स. ओके, एंड एक एंट्री बोली नहीं जाती तो भी बाय डिफॉल्ट करनी है. डिबेंचर्स कैंसिल करने पे जो भी गेन या लॉस होगा वो ट्रांसफर की एंट्री. कहाँ ट्रांसफर करेंगे, यू आर कैंसिलिंग डिबेंचर्स. सो आपको यदि प्रॉफिट होता है तो कहाँ ट्रांसफर करोगे, कैपिटल रिजर्व में. ओके, सो डिबेंचर्स तो पहले से ही इश्यू की एंट्री कर रखी है, हमको 30th September को डिबेंचर इंटरेस्ट ड्यू एंड पेमेंट की एंट्री करनी है. सो ऑन 30th September 14 डिबेंचर इंटरेस्ट आपको पेमेंट करना है डिबेंचर होल्डर को, एक्सपेंस फॉर द कंपनी. सो डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट. अभी तक कुछ भी ओन डिबेंचर्स के नाम से नहीं है. अभी तक जो 4000 डिबेंचर्स है वो कहीं पिक्चर में आए नहीं है. अभी वो 30th September ही है और 1st October को 4000 डिबेंचर्स परचेज किए गए होंगे. सो दिस डजंट इफेक्ट, अभी वो टोटल हमारे 20,000 डिबेंचर्स सब एक साथ ही है, राइट. सो इसमें अमाउंट क्या आएगा, 20,000 डिबेंचर्स हैं. सो 20,000 डिबेंचर्स ऑफ रुपीज 10 each
उस पे रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% डिबेंचर्स लिखा है, सो 10/100 एंड 6 मंथली इंटरेस्ट देना है, सो 6/12 जिसमें फर्स्ट सितंबर है और सेकंड मार्च है, सो द टोटल अमाउंट कम्स अप टू 10,000. डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट. ओके, अब हो जाएगी पेमेंट की एंट्री. ऑन सेम डेट इंटरेस्ट इज पेड 30th September 2014. पेमेंट की एंट्री क्या होगी, डिबेंचर होल्डर्स को पेमेंट कर रहे हैं, जस्ट अभी आपने उनको क्रेडिट किया है, सो डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट विद द सेम अमाउंट 10,000. सो हमारा इसका फर्स्ट पार्ट हमने कर लिया है. अब 1st October को 4,000 डिबेंचर्स परचेज किए जा रहे हैं, दैट इज वी आर इन्वेस्टिंग इन आर ओन डिबेंचर्स. सो डेट 1st October 2014. इन्वेस्टमेंट यदि करते हैं तो एंट्री क्या करते हैं, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक. ओके, यहां इन्वेस्टमेंट इन ओन डिबेंचर्स है तो आप लिखेंगे इन्वेस्टमेंट इन ओन डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट. ओके, 4,000 डिबेंचर्स परचेज किए गए हैं फ्रॉम ओपन मार्केट एट पर डिबेंचर एज इन्वेस्टमेंट. टोटल कितना आपने एक्सपेंस किया, 38,000. ओके, इन्वेस्टमेंट इन ओन डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक, ये आपने अपने इन्वेस्टमेंट परचेज किए. अब डिबेंचर इंटरेस्ट ड्यू होगा 31st March को. ओके, अब डिबेंचर इंटरेस्ट का दो बाइफर्गेशन होगा, वन विल बी फॉर योर डिबेंचर्स हेल्ड बाय योरसेल्फ्स एंड वन विल बी फॉर आउटसाइडर्स. सो एंट्री कैसे करोगे, डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू, एक तो डिबेंचर होल्डर्स जो आउटसाइडर्स हैं, डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट एंड एक खुद के डिबेंचर्स हैं, सो इंटरेस्ट ऑन ओन डिबेंचर्स अकाउंट. देखो जब पेमेंट की एंट्री करोगे तो आउटसाइडर्स को तो आपको डिबेंचर इंटरेस्ट पे करना है, ड्यू करना है खुद के लिए भी, लेकिन खुद को पे नहीं करना है, वो प्रॉफिट एंड लॉस में एडजस्टमेंट एंट्री के हिसाब से आ जाएगा. खुद को ही क्या पेमेंट करेगी, कंपनी एडजस्ट कर लेगी. ओके, सो ये जो डिबेंचर होल्डर्स हैं आउटसाइडर्स, उनका इंटरेस्ट कितना होगा, उनके पास है कितने, 20,000 में से 16,000 उनके पास डिबेंचर्स है और 4,000 हमने परचेज की है, सो 16,000 डिबेंचर्स ऑफ फेस वैल्यू 10, फेस वैल्यू पे ही होगा हमेशा, इंटू 10% फॉर 6 months. For 6 months, so 6/12, so this amount comes up to 8,000. और जो हमारे खुद के own debentures हैं, उसमें वो कितने हैं? 4,000 debentures of face value 10, तो 40,000. Rate is 10% and for 6 months, so 6/12, and this comes up to 2,000. सो टोटल आपका इंटरेस्ट ड्यू हो गया 10,000 से.
इसमें से पेमेंट कितना करोगे? ओनली 8,000. 2,000 का आपको यहाँ पर एंट्री पेमेंट का नहीं करना है, वो खुद का ही इंटरेस्ट है, सिर्फ एडजस्टमेंट होगा. सो लेट्स सी हाउ डू वी डू द एंट्री. पेमेंट करो, डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट. बैंक फुल 10,000 नहीं, सिर्फ आउटसाइडर्स को 8,000. दिस इज द एंट्री फॉर पेमेंट ओनली टू आउटसाइडर्स. ओके, अब डिबेंचर इंटरेस्ट ड्यू कर दिया, पे कर दिया. अब 31st August 2015 को हमको डिबेंचर्स को कैंसिल करना है. सो वॉट विल बी द एंट्री फॉर कैंसिलेशन? कितना परसेंट डिबेंचर्स है? 10% डिबेंचर्स. सो 10% डिबेंचर्स को आप करोगे डेबिट. टेन परसेंट डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट. टू, इन्वेस्टमेंट इन ओन डिबेंचर्स. देखो फेस वैल्यू कितनी है? 10 रुपीज. और कितने कैंसिल करने हैं? 4,000 डिबेंचर्स. सो 10% डिबेंचर फेस वैल्यू के हिसाब से 4,000 × 10 40,000 आ गया. ओके, टू इन्वेस्टमेंट इन ओन डिबेंचर्स. अभी मार्केट में कितने से परचेज किया? 9.5 पर डिबेंचर के हिसाब से ये परचेज हुए हुए हैं. सो इन्वेस्टमेंट हुआ 9.5 के हिसाब से. सो 4,000 × 9.5 एंड दैट कम्स अप टू 38,000. ओके, ये 38,000 के हिसाब से हो गया. तो 0.5 जो बचा हुआ है वो क्या हो गया? 0.5 इज प्रॉफिट. टू प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट इन ओन डिबेंचर कितना हो गया? 4,000 डिबेंचर्स के हिसाब से 0.5. 10 − 9.5 = 0.5. 2,000. ओके, अब ये जो प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन है वो कहाँ ट्रांसफर होगा? दैट विल बी ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट. सो ऑन द सेम डेट 31st August 2015 प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन ऑफ ओन डिबेंचर्स प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट इन ओन डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट. 2,000 प्रॉफिट हुआ हमको. ट्रांसफर दैट टू कैपिटल रिजर्व. टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट 2,000 बीइंग प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन ऑफ डिबेंचर्स ट्रांसफर्ड.